नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चटपटी चटोरी रसोई में। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत टेस्टी, अमेजिंग और इजी है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मैंगो पार्फे। मैंगो पार्फे अपने आप में एक टेस्टी, अमेजिंग और हेल्दी जो है रेसिपी है। ये एक ऐसा डेजर्ट है जो अपने आप में एक कंप्लीट मील है। ढेर सारे जो है कर्ड और फ्रूट्स और नट्स की गुडनेस के साथ अपने आप को ये कंप्लीट करता है। बहुत ही अमेजिंग और हेल्दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो पार्फे की रेसिपी, जो बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसमें ऐड करेंगे 1 कप हंकर्ड यानी कि टंगा हुआ दही। अब नॉर्मल दही को 4 से 5 घंटे के लिए किसी कपड़े में बांधकर जो है टांग दीजिए ताकि उसका जो है एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तो हमें इस तरह का हंकर्ड मिल जाएगा, एकदम क्रीमी। आप चाहें तो नॉर्मल दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप मैंगो प्यूरी। एक मैंगो को मैंने 2 बड़े चम्मच शुगर के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इस तरह का जो है पेस्ट रेडी कर लिया है। इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक ये आपस में जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाते। ये देखिए, दोनों को अच्छे से जो है मैंने मिक्स कर लिया है और ये जो है आपस में अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। ये देखिए, हमारे जो मिक्सचर है उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी आया है। बिल्कुल इसी तरह का जो है हमें टेक्सचर चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। अब इसे हम जो है फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। अब हम लेंगे यहाँ पर एक ग्लास और उसमें अपना जो है मैंगो मिक्सचर पोर कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लेयर लगाने वाली हूँ मैंगो प्यूरी की। मैंगो जो है बहुत ही टेस्टी और यम्मी होने के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी जो है बहुत अच्छे होते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यूज होते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैंने जो है इसकी लेयर लगा दी है। मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ चॉप्ड बनाना। ये देखिए, बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। आप यहाँ पर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर बनाना और मैंगो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से हम जो है एक लेयर मैंगो की भी यहाँ पर लगा देंगे। मैंगो बहुत टेस्टी और डिलीशियस होते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़े से नट्स, जिसमें मैंने आलमंड्स और कैशूज यानी कि काजू और बादाम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे इसमें बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा अपना मैंगो मिक्सचर फिर से ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जो है पोर कर देंगे इस पर। ये देखिए, हमारा जो है मैंगो पार्फे अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़े से मैंगो प्यूरी के साथ मैंने जो है इसे गार्निश किया है ताकि ये देखने में जो है बहुत सुंदर लग सके। बहुत टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है ये, अपने आप में एक कम्प्लीट मील है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से जो है अनार के दानों के साथ इसे गार्निश किया है और ये लीजिए, हमारा जो है मैंगो पार्फे बनके बिल्कुल रेडी है। यकीन मानिए गाइस, ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस है और अपने आप में एक कंप्लीट मील है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ढेर सारी गुडनेस और न्यूट्रिशंस वैल्यूज के साथ जो है अपने आप को कम्प्लीट करती है ये डिश। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टेस्टी, अमेजिंग और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। कर्ड को जो है हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। दूध से भी ज़्यादा जो है कैल्शियम और विटामिन डी जो है कर्ड यानी कि दही में होता है। दही हमारी सेहत के साथ साथ हमारी सूरत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं इसमें, मैंगो, बनाना, पोमेग्रेनेट और ढेर सारे जो है नट्स। इस रेसिपी को जो है अपने आप में कंप्लीट करते हैं। फुल ऑफ न्यूट्रिशंस वैल्यू से भरी हुई रेसिपी, इंजॉय कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।